Saya. स्विमिंग पूल जैसा है, हॉट स्प्रिंग तो नहीं है। यहाँ पे पानी लाइट है, आप वाटरफॉल के नीचे बैठ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आया हूँ तेगुनंगन वाटरफॉल। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नूबुड बट वेरी क्वाइट क्लोज टू उबुड, अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम उबुड। सो अभी ऑलरेडी 4:30 बज गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है इधर। तो देखते हैं वाटरफॉल कितना अच्छा वीडियो में आता है, क्योंकि लो लाइट काफ़ी लो है और लाइट लो रहता है तो वीडियो अच्छा आएगा नहीं। तो आप देख सकते हो कितने कार्स पार्क्ड है, एंड इट्स क्वाइट अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। और टिकट एंट्री है 15,000 का, जो कि मैं अभी लेने वाला हूँ। हाय, one ticket please. Just one ticket, please. सो वाटरफॉल से पहले शॉप्स उप से खाने के शॉप्स हैं और कपड़े उपड़े के भी शॉप्स हैं। थैंक यू। यो मैन, तेगेनुंगन वाटरफॉल। सो बाली में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे बोले तो 8-10 होंगे, बट अ लॉट ऑफ देम आर वेरी यू नो, बहुत दूर बाइक चला के जाना पड़ेगा। सो दिस वन इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल और अच्छा भी है। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे हैं, क्योंकि और इसके आसपास आपके शॉप उप भी है खाने होने का, तो वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ से व्यू पॉइंट है और आप सामने देख सकते हो वो रहा वाटरफॉल। ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, पानी के नीचे भी लोग हैं। अभी भी वहाँ जाते हैं, सीढ़ी से उतरना है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है वाटरफॉल का, बट सबसे अच्छा व्यू आएगा वाटरफॉल के पास जाके ही, तो वही जाएंगे हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है। और लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, हफिंग एंड पफिंग यहाँ से। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे एक घोंसला जैसा बना दिया है, लाइक
and you can go and sit and take a nice photo जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ. ये नया चीज़ बाली में बहुत जगह की है. वहाँ पे अभी आज मैं तेगुनलाई राइस फील्ड गया था तो वहाँ पे भी ऐसा बनाया हुआ चिड़िया का घोंसला, चिड़िया का ऐसा गोल सा, जाके बैठ के फ़ोटो तो ले लो. अभी कैसा है ना, यहाँ पे दो वाटरफॉल है और एक हॉट स्प्रिंग भी है. तो एक छोटा वाटरफॉल उधर है ना, उधर हम लोग बाद में जाएंगे और ये बड़ा वाला वाटरफॉल पहले जाते हैं. ये रहा नदी बह रहा है और वाटरफॉल आगे ही है. यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे ना एक स्विमिंग पूल या व्हाट शुड आई से, हॉट स्प्रिंग तो नहीं है बट स्विमिंग पूल जैसा कुछ है, आप देख सकते हो. और ये मैं यहाँ मैं आता हूँ थोड़ी देरी बाद. यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं. कहाँ से जाया जाए, यहाँ से जाना थोड़ा एडवेंचरस है. अरे पत्थर रखा हुआ है देखो आप, एक के ऊपर एक. सो वी आर गेटिंग क्लोजर टू द वाटरफॉल. काफ़ी लोग हैं भाई. म्यूजिक भी बज रहा है, किसी ने तो म्यूजिक भी लगा दिया है. और वहाँ पे एक झूला भी है बाली स्विंग, छोटा सा, मतलब छोटा नहीं है बट जितने बड़े बड़े यहाँ पे स्विंग होते उसके हिसाब से ये छोटा ही है. एंड यू कैन रियली गेट वेरी क्लोज टू द वाटरफॉल. मतलब वहाँ पे एक रोप लगा है, उसके आगे नहीं जा सकते बट आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट तक. लतीनो यहाँ पे भी एक घोंसला जैसा बना दिया है और यहाँ पे बैठने के लिए है. यहाँ मैं बाद में आता हूँ, पहले वाटरफॉल जाता हूँ. ओके देखो भाई क्या क्या लिखा है. आई लव यू मॉम, ट्रैवल एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग, आई एम चबी बट सेक्सी, आई लव बाली, बाली हर डे, आई एम सिंगल वेरी हैप्पी, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है. अब जाएंगे हम लोग ये बम्बू ब्रिज के ऊपर से पार हो गए और वाटरफॉल के और पास पहुँचते हुए नज़ारा दिखाते हुए. ये पानी बह रहा है इतना सुंदर सा और ये लाइफगार्ड भी है, देख रहा है लेटे हुए. अब हम लोग जाइए एकदम क्लोज पानी से, है ना.
तो इसके लिए मुझे पहले अपना चप्पल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा और सामान उतारना पड़ेगा। जय हो क्रॉक्स बाबा की, मल्टीपर्पज चप्पल क्रॉक्स। कर लिया मैंने चप्पल टाइट, बैग यहाँ रख सकता हूँ, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। लोग ले रहे हैं फोटोज। भाई ये सामान मेरा है, टी शर्ट उतार देता हूँ क्योंकि एक घड़ा। सो गाइस टाइम टू गो इनसाइड द वाटर। तो जेब में एक चाबी रह गया। पानी बहुत ही ठंडा है और नीचे पत्थर भी बहुत है, इधर से ज़्यादा इजी रहेगा। बहुत ठंडा पानी है। यहाँ ये रोप लगाया हुआ है, इसके आगे नहीं जा सकते। पानी मेरे को आगे धकेले जा रहा है। पानी रोप को पकड़ के रखो वरना पानी आपको आगे धकेलते रहेगा। कैमरा ऑफ करता हूँ थोड़ा देर के लिए, आगे जाके और रिकॉर्डिंग करता हूँ। उधर कोई तो ड्रोन उड़ा, वो ड्रोन उड़ा रहा है कोई। तो गाइस यहाँ पे ना एक क्या कहें इसको, स्विमिंग पूल जैसा है, हॉट स्प्रिंग तो नहीं है बट जो भी है यहाँ पे भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं। अभी पानी का लेवल काफ़ी कम दिख रहा है। God, it's like a shower and a swimming pool both together. तो तेगनुंगन वाटरफॉल आप आते हो ना तो तीन चीज़ देखने को मिल जाता आराम से। मेन तेगनुंगन वाटरफॉल, ये छोटा सा पूल या जो भी है नेचुरल स्विमिंग पूल, और एक छोटा वाटरफॉल भी है जो अभी मैं इसके बाद जाऊंगा। और जब पानी सर पे गिरता है तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बाहर लोग फोटो खींच रहे हैं। आ जाओ यार पानी के अंदर। तो इस तरह एक छोटा सा फॉल है बाजू में, वहाँ पे भी
वहाँ पे आप डायरेक्टली वाटरफॉल के नीचे बैठ सकते हो। देखो मेन फॉल के नीचे आप नहीं बैठ सकते हो, पानी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पानी लाइट है, आप वाटरफॉल के नीचे बैठ सकते हैं। सो अमेजिंग। रास्ता स्लिपरी है तो बाबूजी ज़रा धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। लो भाई पहुंच गए, गिन के तीन ही लोग हैं और चौथा मैं। ये लटका दिया मैंने अपना बैग, अब जाऊंगा मैं वाटरफॉल के नीचे। अब हम ऑफिशियली पानी के नीचे है। और यहाँ बैठ भी सकते हैं। हाँ फुल इंसान। अभी टाइम काफी देर बैठ लिया हूँ, अभी निकलता हूँ। Careful because the rocks are very slippery, the water is coming at a very fast pace aur ye mere crocs mere ko bahut help kar rahe hain, chappal pehen ke aaoge to bada problem। So guys this was the smaller Tegenungan waterfall, ab hum chalte hain wapas ghar ko, maza aa gaya, bye bye।